दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार शनि अमावस्या 18 नवंबर को है, जो कि बहुत ही बड़ी अमावस्या है और 30 साल बाद आया योग है। अगर आप अपनी परेशानियों को, दुखों को अंत करना चाहते हैं, तो दोस्तों शनि अमावस्या से उत्तम कुछ भी नहीं माना जाता है। आपको इस दिन का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, आपने काफी बार सुना भी होगा कि शनिवार पर पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही खास और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए काफी उत्तम मानी जाती है। शनिदेव का प्रिय दिन शनिवार होता है और इस दिन किए जाने वाली चीजों से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर वह शनिवार अमावस्या के दिन हो तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा चल रही होती है, उस समय उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो उसके जीवन पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। वह चीजें अच्छी भी होती हैं कई बार, और वह चीजें कई बार बुरी भी होती हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख देती हैं। शनिदेव की अगर क्रूर दृष्टि होती है तो दोस्तों ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जितनी भी चीजें आप करते हैं, जितनी भी कोशिश आप करते हैं, उसमें खुद ही फंसते चले जाते हैं। लेकिन अगर वह दृष्टि अच्छी होती है, शनिदेव की कृपा आप पर होती है, तो दोस्तों ऐसे में शनि की दशा में व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करता है और ऐसे ऐसे कार्य करता है कि वह खुद भी यकीन नहीं कर पाता है, जिनसे उसे बहुत ही ज्यादा तरक्की मिलने लगती है। कई बार शनि की दशा में व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त करता है, सुख समृद्धि प्राप्त करता है और बहुत ज्यादा सम्मान भी अपने लिए पा लेता है। ऐसा नहीं है कि शनि की दशा में व्यक्ति सिर्फ परेशानी ही पाता है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि अच्छी हो तो ऐसे में व्यक्ति मुसीबत की जगह बहुत ज्यादा तरक्की पाने लगता है। जो भी वह कार्य करता है उसमें जरूर ही सफल होने लगता है। तो दोस्तों, इस बार शनि अमावस्या पर आपको भरपूर फायदा उठाना है इस अमावस्या का, क्योंकि शनिवारी अमावस्या अपने आप में ही एक अद्भुत संगम होती है, जिसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हमेशा ही आती रहती हैं, कोई भी काम आप करते हैं उसमें बिल्कुल भी सफलताएं नहीं मिल पाती हैं, हमेशा ही आप परेशान रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए दोस्तों शनि अमावस्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताएंगे शनि भगवान से जुड़ा हुआ, जिसका जाप आपको शनिवार अमावस्या पर करना है। शनिवारी अमावस्या पर इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों निश्चित ही धन से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होती हैं। यह मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसके निरंतर जाप से आपके जीवन में जरूर ही धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। लेकिन इस मंत्र का जाप करने के लिए दोस्तों आपको अकेले ही किसी शांत जगह पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। उस शांत जगह के लिए आप कहीं पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आसन बिछाकर आपको जाप करना है जमीन पर बैठकर। इस मंत्र के जाप से अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ भी है और आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, तो दोस्तों उसमें भी बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपको प्राप्त होते हैं और निश्चित ही आपकी परेशानियां खत्म होती हैं। तो दोस्तों यह मंत्र है, ओम शम शनि मम धनम देही शनि नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करना है शनिवारी अमावस्या के दिन। जितना ज्यादा आप जाप करते हैं, उतनी जल्दी ही आपकी परेशानी खत्म होती है। यह बहुत ही माना हुआ अचूक प्रयोग है दोस्तों, जिसको करने से धन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। शनि महाराज से जुड़े हुए जितने भी कष्ट और दोष आपकी कुंडली में होते हैं, वह तुरंत दूर होते हैं और सभी कार्य आपके संपन्न होने लगते हैं। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन किए जाने वाले मंत्र जाप बहुत ही ज्यादा फलदायक सिद्ध होते हैं और वह कभी भी खाली जा ही नहीं सकते हैं। शनि महाराज का यह मंत्र बहुत ही ज्यादा सफलताएं देने वाला होता है दोस्तों, तो आपको जरूर ही इस अमावस्या का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इसके साथ साथ हम अपने आने वाले वीडियो में और भी शनि अमावस्या पर करने वाले प्रयोग बताएंगे आपको, जिन्हें करके आप पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें की जाती हैं अमावस्या के दिन और शनि अमावस्या के दिन, जिनके जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभ होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है या आप चाहते हैं हम आपकी समस्या के लिए वीडियो बनाएं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले सही समय पर मिल सके। हमारा वीडियो आप लाइक
पर इस जानकारी को जनहित के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपके मित्र भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन में फायदा उठा सकें। धन्यवाद।